नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आज के हालातों की। आज के हालात में सबसे बड़ी समस्या है बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य। वो स्थिति पैदा हो गई है इस दुनिया में और हिंदुस्तान में कि साहब एक वायरस का इन्फेक्शन आता है और एक साथ 45,000-50,000 लोगों की मौत इस दुनिया में हो जाती है और 3 लाख से अधिक लोग जो है 8 लाख से अधिक लोग इन्फेक्टेड उसके पाए जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। इटली इसका उदाहरण है। इटली में दुनिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है और इटली में ही अगर चाइना के वुहान के बाद देखा जाए तो ये COVID-19 कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ये देखा गया है कि इस वायरस से जो मौतें हो रही हैं उसमें बुजुर्गों की डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है और उसका एक कारण है कि बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अपने को उस स्थिति में ना आने दें और हमारे घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम इस स्थिति में आने से बचाएं। तो इस बात को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है या आवश्यकता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। अगर हम अपने परिवार के बुजुर्गों का अपना अपने बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएंगे शरीर की तो हम बहुत सी दिक्कतों से बचे रहेंगे, जिसमें कि यह जो अभी नवनिर्मित दिक्कतें हैं और जो आने वाली दिक्कतें हैं वो सबका समाधान निहित है। हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, प्रतिरोधक क्षमता की। हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, अपने खान पान को बहुत बेहतर बनाना होगा। लेकिन आज का एक मशीनी युग है। मशीनी युग में आपके खान पान में आप क्या कर लोगे? 2 टाइम खाना खाने के अलावा आपके पास वक्त नहीं है। आप सुबह घर से, या तो अगर सरकारी नौकरी में हो, ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो सुबह खाना खा के चले जाते हैं, जो प्राइवेट वाले होते हैं वो अपने साथ खाना बांध के ले जाते हैं, दोपहर में खाते हैं और रात में आके खाते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते आज के मशीनी युग में। हम आपको बताते हैं साथियों एक अचूक नुस्खा जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी और आने वाले तमाम वायरसों के हमले, देखिए वायरस के हमले तो होंगे, एंटार्क्टिका पिघल रहा है, नए नए वायरस जो सदियों पुराने दबे हुए थे, निष्क्रिय थे, वह अब वापस पुनर्जीवित हो रहे हैं और आने वाले वक्त में और वायरस जीवित होंगे। आज हम मान लीजिए कोरोना वायरस को रोक लेंगे लेकिन आगे और वायरस भी होंगे। मैं आपको या अपने दिल को डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो है। आप देखिए पहले सार्स आया, फिर मर्स आया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद फिर अब ये कोरोना वायरस आया, बीच में 2009 में स्वाइन फ्लू आया। आप कितने वायरस झेलोगे? तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी होगी और यह नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो करिए। स्वास्थ्य है तो बल है और बल है तो हल है। बताते हैं आपको अचूक नुस्खा आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का। आपको इस जादुई नुस्खे के लिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के आपको तमाम परेशानियों से बचाएगा, आपके पैसे को बचाएगा, आपके वक्त को बचाएगा, आपके शरीर को बचाएगा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है साथियों। आपको एक सॉसर पैन में 0.5 लीटर पानी लेना है। 0.5 लीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे परिवार के हित में है कि आप इस नुस्खे को करें, ये पानी आप पिए। आपको 0.5 लीटर सॉस में वाटर यानी पानी ले लेना है। उसमें आपको 20 से 25 पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च को क्रश करके वो चूरा डाल देना है। आपको इसमें गांठ वाली हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर 1 बड़ा चम्मच, घर पे बना ले तो बहुत बढ़िया हल्दी पीस ले, वो आपको इसमें डाल देनी है 1 चम्मच बड़ा। आपको इसमें शहद डाल देना है 1 बड़ा चम्मच, हनी। आपको इसमें लेमन नींबू डाल देना है 1 पूरा नींबू, आप पूरा नींबू इसमें डाल दें। और अगर अरेंज हो जाए तो 8 से 10 पत्ती या 4-5 पत्ती जितनी हो जाए, आपको होली बेसिल यानी कि ऑसिमम सेंक्टेनम यानी तुलसी की आपको 8-10 पत्ती डाल देनी है। तुलसी श्रेष्ठ पौधा माना गया है आयुर्वेद में, तो आपको यह सब चीज़ों को डाल देना है साथियों। इसको 10 मिनट तक आपको बॉईल कर लेना है। गैस को फुल ना रखिएगा, फुल से 5 मिनट तक जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए, फिर गैस को आप अपने स्टोव को मिनिमम कर दीजिएगा, टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा ताकि जितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सीलरेट हो जाएं।
इसमें साथियों जो काली मिर्च होती है उसका बहुत विशेष रोल ये भी है कि वह आपके हल्दी के गुणों को निकाल देती है। हल्दी के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काली मिर्च को ऐड करा जाता है। तो आप इन चीज़ों को 10 मिनट बॉईल कर लें, 5 मिनट तेज आंच पर, 5 मिनट बहुत सिम बहुत धीमी आंच पे, फिर इसको थोड़ा सा कूल कर लें, इसको स्ट्रेन कर लें यानी छान लें, और जो आपका पानी तैयार होगा वह दुनिया का नंबर एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अभी मैं साबित कर दूंगा इस वीडियो में साथियों, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसका सेवन करें, आपका पूरा परिवार सेवन करें, क्योंकि आजकल की बीमारियां कोई भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस या हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है, आप हेल्थ इंश्योरेंस क्या कराओगे? जिस चीज़ का इलाज ही नहीं है उसका किस इलाज का आप इंश्योरेंस कराओगे? तो आप इस नुस्खे को करें साथियों, और आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ साथियों यह क्यों काम करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि यह क्यों काम करेगा। ये साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें टर्मरिक है। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी साथियों सबसे अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है जो दुनिया में पाया जाता है। क्यूकर्मिन के फॉर्म में वह इसमें मौजूद रहता है। नाम आपने क्यूकर्मिन सुना होगा, लेकिन वह इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि वह जब कोई आपके इन्फेक्शन हमला करता है तो वह एंटीबॉडी को बढ़ाता है, आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनना बढ़ाता है, और WBC के इनहिबिशन करता है बनने को, WBC के बनने को रोकता है। इसलिए इसको इम्यूनो